हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल आशा का किचन में बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है, तो इस अवसर पर हम आज आपके सामने मोदक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए मोदक बनाते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम मोदक बनाते हैं। इसके लिए हम 350 ग्राम मैंने ये मावा लिया है। ये मैंने मार्केट का मावा लिया है। 50 ग्राम नारियल पाउडर, ये मिक्स ड्राई फ्रूट का पाउडर, और ये चीनी का पाउडर लिया है, ये फूड कलर, और ये सांचा लिया है मैंने मोदक का। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और कढ़ाई में ये मावा डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे लगातार भूनना है ताकि ये जले ना। इसे भूनते हुए फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये देखिए अच्छे से भूनने लगा है ये। अब हम इसमें ये 50 ग्राम नारियल का पाउडर डाल देंगे। और इसके साथ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। दो से तीन मिनट के बाद अब हम इसमें ये फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। ये अच्छे से भून गया है, देखिए अब कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है बिल्कुल भी।
अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है हमें। ये ठंडा हो गया है, अब हम इसमें ये 100 ग्राम हम इसमें चीनी का पाउडर डालेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का भी पाउडर डाल देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया है। अब ये मोदक वाले सांचे में हम इसे दोनों साइड से अच्छे से फिल कर लेंगे। और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से निकल गया है। इस तरह से हम सारा मोदक बना लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मोदक बना लिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।